हेलो फ्रेंड्स, आप सबके इतने लावन सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर दुपट्टा पेंटिंग, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसको बनाने में आपको टाइम की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑल ओवर सारे सब हैंड पेंटेड है और थोड़ी हेवी वर्क भी है, तो आपको टाइम थोड़ी लगेगी, बट है ये बहुत ही खूबसूरत। आप अपने स्टोल या दुपट्टे के ऊपर इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमें यह यूज करना है पार्ल मेटालिक कलर, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और ब्रश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक प्लेट में थोड़ी सी कलर ले लिया है। यहाँ पहले हमें बॉर्डर करना है ऐसे। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, आप राउंड ब्रश से भी ये कर सकते हैं, बट फ्लैट ब्रश से क्या होता है काम बहुत जल्दी से हो जाती है। मैं यहाँ 10 नंबर के फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर मुझे थोड़ा ब्रॉड चाहिए, इसलिए ये कलर इसमें थोड़ी ग्लिटरी शाइन है। और क्योंकि मैं मेरी ये दुपट्टा ये रेयॉन की है, तो इसके ऊपर पार्ल मेटालिक कलर से अच्छे से कलर कर सकते हैं, इसलिए एक्रेलिक कलर इसके ऊपर ठीक से नहीं होता है, इसलिए मैं पार्ल मेटालिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई कॉटन के दुपट्टा यूज़ कर रही है तो आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर से कलर कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमें फ्लावर बनानी है, इसके लिए मैं फिल्बर्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ब्लू पार्ल मेटालिक कलर। बट अगर आपके पास फिल्बर्ट ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम बाद आपको दिखाऊंगी कैसे फ्लैट ब्रश से भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फिल्बर्ट ब्रश मार्केट में उतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। आप देख सकते हैं इसके लिए फ्लावर बनाने में कैसे हमें ब्रश को, अब देखिए क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज ब्रश को ऐसे घुमा के हमें सेंटर की तरह लाना है ब्रश को, ऐसे थोड़ा सा ब्रश को घुमा लीजिए, नहीं तो सेंटर की तरह ये ठीक से नहीं होगा, ऐसे पॉइंट करके नहीं होगा। पहले ब्रश को प्रेस कीजिए, फिर ब्रश को घुमा के सेंटर की तरह ले लीजिए ऐसे। अब अपने पसंद के कलर यूज कर सकते हैं अपने दुपट्टा के अकॉर्डिंग, जो कलर आपको पसंद है। कलर करने के टाइम इसके पीछे हमेशा दुपट्टा या कोई भी ड्रेस के नीचे एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, नहीं तो कलर नीचे से आ जाएगी फिर खराब हो सकती है। ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर रख के ही कलर कीजिए। एक लाइन हो गई हमारी, अब हमें दूसरा लाइन करना है। अब यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ गैप है, यहाँ ही हमें एक फ्लावर बनानी है। अब यहाँ भी ऐसे सारे गैप में हमें फ्लावर बनानी है। मैं यह पेंसिल से एक पॉइंट करके रख रही हूँ, बहुत आसान हो गई इसलिए। अब ऐसे भी फ्लावर को बना सकते हैं, ऊपर नीचे फिर साइड पे पहले बना के इसके बाद ऐसे करके बना सकते हैं। इससे भी बहुत आसान होता है पेंट करना। अब देखिए कैसे फ्लैट ब्रश से आप ये फ्लावर बना सकते हैं। इसके लिए मैं 2 नंबर की फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये फ्लावर ऑलमोस्ट सेम फ्लावर जैसी होगी। आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश से भी सेम फ्लावर आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं अगर आपके पास फिल्बर्ट ब्रश नहीं है तो, क्योंकि फ्लैट ब्रश मार्केट में जितना इजीली आपको मिल जाएगी फिल्बर्ट ब्रश उतना इजीली नहीं मिलता है, इसलिए अगर आप थोड़ी बड़ी फ्लावर चाहते हैं तो आप थोड़ी बड़ी साइज की ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं एंड में एक फ्लावर है, एक साइड की तो हमारी फ्लावर की सारी पेंटिंग हो गई। अब हमें फ्लावर के सेंटर पे ऐसे ब्लैक कलर से हमें इसको छोटी छोटी सर्कल करनी है फ्लावर के अंदर।
एक साइड की ऐसे हमारी बन गई। अब इसके सेंटर में ये कलर ब्लैक कलर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही हमें इसके अंदर में लेमन येलो पार्ल मेटालिक कलर यूज करना है। मेरी लाइन पे पहले 10 फ्लावर बनाई थी मैं, उसके बाद 9, उसके बाद 8, ऐसे करके करके फ्लावर कम होते होते एंड पे मैंने एक फ्लावर करके, अब देखिए एक ही फ्लावर हुआ है लास्ट में। अब यहाँ आप दो भी बना सकते हैं या एक भी बना सकते हैं लीव्स को। पहले मैं यह एक बना रही हूँ, उसके बाद में दो बना दूंगी लीव्स। आप चाहे तो ऐसे एक ही लीव बना सकते, ऐसे एक बना सकते या साइड पे और एक बना सकते हैं। इसके लिए कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉपर कलर और फ्लैट ब्रश। दुपट्टा की और भी डिजाइन है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, या फिर ऊपर पे आप आई बटन पे क्लिक करके दुपट्टे की और भी वीडियो आप देख सकते हैं। एक दुपट्टा है, आप पोटैटो ब्लॉक से बना सकते हैं बहुत इजी तरह, वार्ली पेंटिंग के ऊपर है वो वीडियो, बहुत खूबसूरत है। ये जैसे आप देख सकते हैं इस एक साइड पे हो गई है, अब दूसरे साइड पे भी हमें ऐसे ही करनी है। कलर अच्छे से ड्राई हो जाए फ्लावर्स, उसके बाद ही लीव्स की पेंटिंग कीजिए, नहीं तो कलर हाथ पे लग के फिर खराब हो सकती है। आफ्टर पेंटिंग ये कलर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये दुपट्टा मेरी है। अब देखिए इस साइड पे हमें इस साइड पे भी करना है, इस साइड पे भी हमें करना है, दो साइड पे भी हमें करना है बॉर्डर की तरह। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक पार्ल मेटेलिक कलर। ये इस कलर सारे मैंने पार्ल मेटेलिक कलर यूज कर रही हूँ, कोई एक्रेलिक कलर नहीं। इसके लिए मैंने कोई मार्क नहीं की, आप चाहे तो पहले मार्क करके कर सकते, बहुत आसान होगा। ब्रश को प्रेस कीजिए पहले, उसके बाद घुमा के सेंटर पे ले लीजिए, आसानी से हो जाएगी। अब हमें यूज करना है राउंड ब्रश 0 नंबर की। अब देखिए ऐसे स्पाइरल बेल की तरह हमें करना है, ऐसे डिजाइन है तो बहुत ही खूबसूरत, बट इसमें आपको टाइम तो लगेगी थोड़ी, और एक्चुअली मेरा बेटा बहुत छोटा है तो एक दिन में मेरा नहीं हुआ, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इसके लिए मुझे 2 दिन टाइम लगा। एक दिन पे आप थोड़ी टाइम लेके बैठ सकते हैं तो हो जाएगी आपकी, इतना भी मुश्किल नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, बट टाइम की आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा जब ही सोता है तभी मैं ये काम करती हूँ, इसलिए आप थोड़ा टाइम देंगे तो एक दिन में भी आपकी दुपट्टा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप अपने कोई भी दुपट्टे के ऊपर इसको जरूर ट्राई कीजिए, और कुछ भी आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो तुम्हारा बांगाली हो तो हमें बांग्लाते कमेंट करते पारो कि जानते चाहो, प्लीज हमें बोलो, हमार खूब भारो लगे तुम्हारा जब हमें बांग्ला कमेंट करो। और मेरी एक ब्लॉग की चैनल है जो कि एकदम नई है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप उसको एक बार जरूर देखिए। अब इसको क्या करना है, हमें अंदर हमें एक छोटी छोटी फ्लावर करना है ऐसे। ये मैंने सारे फ्लावर कॉपर कलर से, सारे फ्लावर नहीं क्योंकि ये कॉपर कलर ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो गई है, इसलिए मैं बाकी की फ्लावर मैं ब्लू या ब्लैक से बनाऊंगी। ऐसे छोटी छोटी फ्लावर्स हमें बनानी है। इसके अंदर हमें ब्लू कलर से ऐसे छोटी सी सर्कल करना है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आप देख सकते हैं ये हमारी दुपट्टा पूरी कंप्लीट हो गई है, देखिए कितनी खूबसूरत है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वेरी गुड टाइम. स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. बाय.